दमयंती के पास देवताओं के वरदान से जाता है तो क्या बात होती है, क्या वर्णन किया। क्या नहीं तो क्या नरे पहुंच गया भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया चौधरी साहब ने, धीर सिंह डागर साहब ने, हजारों कई हजारों हजारों रुपए सभी पार्टियों को पहले दिए और 500 रुपए और साहब का बड़ा धन्यवाद। हेलो, ये भाई ने बहुत बढ़िया तरह सुनाई है, हमारी बात जिसमें द्रौपदी अपनी सखियों के साथ गंगा स्नान के लिए गई हुई थी, उधर पांचों पांडव गंगा जी पे ब्राह्मण के भेष में थे, द्रौपदी अपने साथ में एक फूलों का हार लिए हुए थी, उस हार को गंगा के किनारे पे रख के जब गंगा में स्नान के लिए प्रवेश किया, उस हार को एक मछली उठा लेती है और मछली को चील उठा ले जाती है। स्नान करने के बाद में जब बाहर निकली, वस्त्र पहने, हार नहीं मिला, अपनी सखियों से कहती है, एक बहना तुमने मेरा हार छुपा लिया, कि बेबे मारी तलाशी ले ले, हमने तेरा हार नहीं छुपाया है। फिर पांचों पांडवों की तरफ इशारा करती है कि फिर इन ब्राह्मणों ने छुपाया, भीम कछ उठा नवलर लागी चोर बड़ान डाण धमकावे क्यों, तेरे मारू थप्पड़ चार हार सिर लावे क्यों। झगड़ा होने का अंदेशा हुआ, द्वापर युग में सहदेव उस समय का सबसे बढ़िया ज्योतिषी था, सहदेव की तरफ इशारा किया कि लड़की का हार तलाश करो, सहदेव ने ज्योतिष लगा के बता दिया कि भाई साहब पृथ्वी पर लड़की का हार नहीं है, क्यों कि आसमान में एक चील उड़ है, चील के मुंह में मछली है और मछली के मुंह में हार है,
फिर अर्जुन की तरफ इशारा किया। अर्जुन के पास में दिव्य चक्षु थी, दिव्य चक्षु से गंगा के जल में उस चील की परछाई देख के अर्जुन ने तीर मार दिया। तीनों चीज जमी पाक गिर जाती है। वे सखियां कहने लग गया, ए इन ब्राह्मणों को चोर बनाओ थी, तेरा हार पढ़िया उठा ले। द्रौपदी से हार नहीं उठा गया, एक तकी अर्जुन की तरफ निहारती रही और अपनी सखियों के सामने क्या बयान करती है, क्या कहती है, क्या बता। हे जाताना उठाया यो पाया ताना उठाया यो पाया आरे गंगा पे पहना आरे गंगा पे। देखो बैठी थी मैं अपना, देखो बैठी थी मैं अपना संवार गंगा पे। प्रोग्राम के आयोजक धीर सिंह डागर जी, कलाकारों को काफी नाम पहले 500 रुपए से और मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। नवीन ठाकराण जी, लायक राम जी के भतीजे, 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। ये देख के हैरान होगी विद्या और बल में नशाना है मारा और नीचे देख जल में अंबर में नशाना मारा और नीचे देख जल में हे इसके नाव का दिल में हो गया ए, इसके नाव का दिल में हो गया मेरा प्यार गंगा पे और दाता नाव उठाया पाया राजा नल इतना सुंदर था, देवता भी चकित रह गए थे और दमयंती भी, उसकी सहेली भी, अकियो इतना सुंदर सहकुण को देवता है, गंधर्व है, किन्नर है, सारी सहेलियां उठ के खड़ी होगी कैसे। ये ऑक्टिकी गल आगे जेलवा भी रखना पड़ेगा तने एक लाल और दो और जेलवे में गोसा टैंक है। ओ ए दिखे से
किन्नरे मायाधारी उठ बैठी एक क्षण में खातर पाला है आज ते खातर पाला। मैं इसके गालू माला करिया मैं इसके गालू माला करिया करार गंगा पे पे माया
आज की प्रोग्राम के आयोजक धीर सिंह डागर जी काफी नाम पहले ही 500 रुपए से और मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। देखिए यहाँ कविताई देखी जाती है और कवि से पूछा जाता कि उनमें से कौन सा सुंदर था, क्योंकि दमयंती उस समय की भी सब सुंदरी थी और राजा नल देवताओं से भी सुंदर था, कौन से में कमी थी, फिर कौन सा सथरा बताया दादा ने। ये धीर सिंह डागर साहब जिन्होंने सभी पार्टियों को कई कई हजार रुपए दिए, कार्यक्रम का आयोजन किया, बहुत बड़ा दान किया, भंडारा किया, 500 रुपए और इनाम के देते हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद। हेलो, ये एक कली है, इस कली के बाद में मास्टर सुरेश हडोली उत्तर प्रदेश, भाई विकास शर्मा पहासौर हरियाणा, दोनों का मुकाबला है। इस कली के बाद में स्टेज पर आ जाए, क्या कहा चौथे नंबर। पूछ लियो, पूछ लियो जगती सिते दे मात पिता घरी गाम थोड़ी और ठिकाना है, मात पिता घरी गाम थोड़ी और बार बार धन्यवाद है। अब दो युवा भाई सुपरस्टार कलाकार, उनका रंकाट है आपके बीच में, भाई विकास शर्मा और सुरेश मास्टर जी।